नमस्कार, ओल्गा से गंगा। कहानी का नाम है दिवा, भाग तीन। दिवा चार पुत्रों और पांच पुत्रियों की माँ है। 45 वर्ष की आयु में वह निशाचन की जननायिका बनाई गई है। पिछले 25 सालों में निशाचन की संख्या दुगनी हो गई है। इसके लिए जब कभी सूर्य दिवा के होठों को चूमकर बधाई देता है तो वह कहती है, यह अग्नि की दया है, यह भगवान का प्रताप है। जो अग्नि की शरण लेता है, जो भगवान की शरण लेता है, उसके चारों ओर मधु की धारा इस ओल्गा की धारा की भांति बहती है। उसके दारू वन में नाना मृग आकर चरते हैं। निशाचन के लिए बहुत मुश्किल है। निशाचन स्थान बदलते जहाँ जाता वहाँ पहले के इतने जंगल से उसका काम नहीं चलता। उसे जन्मदम जनगरी ही तिगुना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि तिगुने मृगया क्षेत्रों को भी लेना पड़ता। आज जिस मृगया क्षेत्रों में उसने डेरा डाला है उसके उत्तर उषा जन का मृगया क्षेत्र है। दोनों मृगया क्षेत्र के बीच कुछ अस्वामिक वन है। निशाचन अस्वामिक वन को ही नहीं, उषा जन के क्षेत्र में भी शिकार करने के कई बार गया। जन समिति ने उषा जन से झगड़ा होने की संभावना को देखा, किंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझा। दिवा ने जन समिति में एक दिन कहा था कि भगवान ने इतने मुँह दिए, उन्हीं के आहार के लिए ये वन है। इन वनों को छोड़ इन मुखों को आहार नहीं दिया जा सकता, इसलिए निशाचन जंगलों के रीछों गायों घोड़ों को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही जैसे इस ओल्गा की मछलियों को। उषा जन ने निशाचन को सरासर अन्याय करते देखा। उसकी जन समिति ने कई बार निशाचन समिति से बातचीत की, समझाया बतलाया, सनातन काल से हमारे दोनों जनों में कभी युद्ध नहीं हुआ, हम हर शरद इसमें यहीं आकर रहते रहे हैं, किंतु भूखे मरकर न्याय करने के लिए निशाचन कैसे तैयार होता। सब कानून विफल हो जाते हैं तो जंगल के कानून की शरण लेनी पड़ती है। दोनों जन भीतर भीतर इसके लिए तैयारी करने लगे। एक का पता दूसरे को मिल नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्येक जन ब्याह शादी जीना मरना सब कुछ अपने जन के भीतर करता था। निशा जन का एक गिरोह दूसरे मृगया क्षेत्र में शिकार करने गया। उषा जन के लोग छिपकर बैठे हुए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। निशा जन के लोग भी डटकर लड़े, किंतु वह तैयार होकर काफ़ी संख्या में नहीं आए थे। कितने ही अपने मरों को छोड़ कितने ही घायलों को लिए वहाँ भाग आए। जन नायिका ने सुना, जन समिति ने इस पर विचार किया, फिर जन संसद सारे जन के स्त्री पुरुषों की बैठक हुई। सारी बात उनके सामने रखी गई, मरों का नाम बतलाया गया, घायलों को सामने करके दिखलाया गया। भाइयों बेटों माओ बहनों बेटियों ने खून का बदला लेने के लिए सारे जन को उत्तेजित किया। खून का बदला न लेना जन धर्म के अत्यंत विरुद्ध था, और वह जन धर्म विरोधी कोई काम नहीं कर सकता। जन ने तय किया कि मरो के खून का बदला लेना चाहिए। नाच के बाजे युद्ध के बाजों में बदल गए। बच्चों वृद्धों की रक्षा के लिए कुछ नर नारियां को छोड़ सभी चल पड़े। उनके हाथों में धनुष पाषाण परशु काष्ठ शल्य काष्ठ मुद्गर थे। उन्होंने अपने शरीर में सबसे मोटे चमड़ों के कुंचुक पहने थे। आगे आगे बाजा बजता जाता था, पीछे हथियार बंद नर नारी। जन नायिका दिवा आगे आगे थी। दूर दूर तक सुनाई पड़ती बाजे की आवाज और लोगों के कोलाहल से सारी अरणी मुखारित हो रही थी। पशु पक्षी भयभीत हो यत्र यत्र भाग रहे थे। अपने क्षेत्र को छोड़ वह अस्वामिक क्षेत्र में दाखिल हुए। सीमा चिन्ह न होने पर भी हर एक जन शिकारी अपनी सीमा को जानता है, और वह उसके लिए झूठ नहीं बोल सकता। झूठ अभिमानों के लिए अपरिचित और अत्यंत कठिन विद्या थी। झूठ शिकारियों ने अपने जन के पास सूचना पहुंचाई। वह जन पूर्व जन के झोपड़े से हथियार बंद हो निकले। उषा जन वस्तुतः न्याय चाहता था, वह सिर्फ अपने मृगया क्षेत्र की रक्षा करना चाहता था, किंतु उसके अमित्र इस न्याय के लिए तैयार न थे। उषा जन के मृगया क्षेत्र में दोनों जनों का युद्ध हुआ। चकमक पर पत्थर के तीखे फल वाले बाण सनसन बरस रहे थे। पाषाण पर सूखा खप एक दूसरे पर चल रहे थे। वे भालों और मुद्गरों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। हथियार टूट या छूट जाने पर फट और भटानियां हाथों तक
कभी एक और।